आज मैंने समय निकाल कर सोचा कि आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएं और सबसे पावन और पवित्र भगवान शिव का प्रिय बेल के महत्व को और बेल की नई नई प्रजातियों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाए और एक पेड़ आप जरूर लगाएं। चलिए अब आप वीडियो हमारा सुनिए और आपको बहुत ही ऊर्जा मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा। सज्जनों नमस्कार। चलिए श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सामने देखिए बिल बेल का पौधा है और देखिए त्रिगुणात्मक, त्रिदोषात्मक और त्रिपुटात्मक सारे गुणों से ये ओतप्रोत है और भगवान शिव का ये साक्षात स्वरूप है। और जितनी महिमा का वर्णन किया जाए उतना कम है। कभी किसी ने शिव की महिमा का अंत पाया? वो वास्तव में अभेद है, वो अखंडनीय है, वो अद्वितीय है, वो अटल है। उसी तरह ये बिल्व वृक्ष है, ये प्रकृति का अद्भुत वरदान है और ये मानव के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो दिव्य महानता इसको प्राप्त है और वास्तव में ये प्रकृति का वरदान समझिए इसको। सर्वप्रथम तो इसके पहले मैं नाम बता दूँ, बेल, बिल्व, सांडिल्व, श्रीफल, सदाफल और इंग्लिश में एग्ले मार्मोलॉस इसको कहते हैं। शांडुल मतलब पीड़ा नाशक, ये जितनी भी पीड़ाएं हैं उनका ये नाश करता है, इसलिए इसका नाम शांडिल्य पड़ गया। और ये तो 3 पत्ती का है, सामने आप जो देख रहे हैं 5 पत्ती का और अधिक से अधिक 11 पत्तियों का भी ये होता है। 11 और 5 पत्तियों वाला थोड़ा दुर्लभ है और मिलना कम संभव हो पाता है। इसको अमृत तत्व भी प्राप्त है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और भगवान शिव तीनों लोगों का वास है और माँ पार्वती जी के साथ माँ लक्ष्मी जी का भी वास है इस पुण्य वृक्ष में। इसकी जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम होगी। चलिए आज बहुत विस्तृत जानकारी लीजिए और जो आधुनिक प्रजातियाँ आई हैं बेल की मैं उनके बारे में भी बताऊँगा। और बस शर्त ये है कि बेल का पौधे का रोपण जरूर करिए श्रावण मास में, अगर वास्तव में आपको पुण्यों का पुण्य प्राप्त करना है। यह समस्त भारत और जो अखंड भारत है उसमें तो पाया ही जाता है और जो भारत के थलीय देशों से जिनके संबंध रहे भारत के, जैसे बर्मा, यूनान और वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, कंबोडिया में तो भाई पूरा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर ही बना है, वहाँ इन ये सब हमारे पूर्वज ले गए इन पौधों को और वहाँ पर रोपित किया। ये एक इस पौधे की विशालता में ये एक और श्रेष्ठता शामिल है। ये जो हमारी ये प्रजाति है ये आप देख रहे हैं, ये छोटी पत्ती की है, घनी पत्तियाँ हैं इसमें। ये नरेंद्र सेविन है और नरेंद्र सेविन मतलब नरेंद्र देव विश्वविद्यालय अयोध्या ने इसको डेवलप किया है और इसमें ये इसकी विशेषता है कि फल इसमें बड़ा, काफ़ी बड़ा आता है और जो है बीज कम होते हैं, ये इसकी विशेषता है। और भी हम आपको अभी प्रजातियों की नई नई जानकारी प्रदान करेंगे और पौधे भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये दूसरी प्रजाति है, नई बिल्कुल प्रजाति जो आई हुई है, ये वो है पंत अपर्णा। और इसका जो है इसकी खूबी आप देखिए कि इसमें कांटे नहीं हैं, ये इसकी विशेषता है। और ये देखिए ये ग्राफ्टिंग के द्वारा, बूटी के द्वारा ये तैयार किया गया है, ये आप देख रहे हैं ये यहीं पर बूटी बांधी गई है। ये पंत अपर्णा है मतलब पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और इसकी जो फल काफ़ी बड़ा होगा इसमें और जो फल का वो है मतलब छिलका वो पतला होगा और बीज बहुत कम होंगे और गूदे में रेशे भी कम होंगे। ये हमारे इधर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, आप भी लगाइए। और ये वास्तव में कितनी दिव्यता है बेल के, उसमें ये आप मतलब पूरे सारे ग्रंथों को पढ़िए, शिव पुराण को पढ़िए, इसकी महिमा के लिए पद्म पुराण को पढ़िए,
वायु पुराण को पढ़िए और पुराणों में बड़ी इसकी महिमा है। वेद से लेके और आज तक जितने भी हमारे पुराने आचार और मनीषी हुए हैं उन्होंने इनके गुण को साक्षात शिव स्वरूप, शिव मतलब कल्याण, जिससे हमारा कल्याण हो। अब मैं आपको बिल्कुल नई प्रजाति दिखा रहा हूँ जो गोमायसी है। इसका पौधा छोटा होगा, बॉन्साई टाइप का, और इसका फल जो है बड़ा होता है और छिलका भी पतला होगा और जो इसके गूदे हैं उसमें रेशे कम होंगे और बीज भी कम होगा। ये देखिए, आप पहचानिए इसको। और ये सब कटिंग से डेवलप्ड किए जा रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विशेषकर पंतनगर और आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में इसमें बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और नई नई वैरायटियां, क्योंकि आजकल इसका व्यवसायिक कार्य भी हो रहा है और विभिन्न जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक दृष्टि से बन रही हैं, मुरब्बा बन रहा है, विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है और भारत में भी कम से कम 4 महीने तो इसका रस जूस जो है पूरे बाज़ार में जब लू चलती है तब जो है हर चौराहे पर आपको मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। ये तो हो गया वैरायटियों का, और भी कई आ गई हैं। नरेंद्र 5 है, नरेंद्र 7 है, नरेंद्र 9 भी आ गई है। तो इस तरह भाई नई वैरायटियाँ हैं तो इनको लगाइए, अपने बाग में लगाइए। अब आजकल और पंत और अपर्णा और पंत उर्वशी, ये भी छोटी वैरायटियाँ हैं, इनको आप अपने लॉन में भी लगा सकते हैं। और अगर आपको घर में इसको लगाना है, अपने गमले में लगाना है, तो आप इसको वास्तु की दृष्टि से उत्तर पश्चिम वाले कोने में लगाइए तो आपको यश सम्मान और वंश सब में अभिवृद्धि का, हम नहीं ये तो शास्त्र कहते चले आ रहे हैं। अरे एक शास्त्र कहे तो बात अलग है, ये तो पूरी महिमा शास्त्रों ने गाई है बेल वृक्ष की। अब बताइए, हम लोग पढ़े हुए हैं वो जो चाइनीज संस्कृति के पौधे फेंग सुई आदि को लगाने के चक्कर में, जो सिर्फ पैसा कमाना जान रहे हैं, आपका पैसा जो है आकर्षण को देके वो कमा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जिसको लगाना है वो लगाए, हम तो आपको सलाह देंगे कि वो पुण्य और वो दिव्यता से जुड़िए जो आदि से आदिकाल तक आगे भी चलेगी और पीछे भी चलेगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, आज हर चीज़ का परीक्षण हो रहा है। हमारे पूर्वजों और मनुष्यों ने तो आदिकाल में इनका परीक्षण कर लिया, आज मशीनों के द्वारा परीक्षण हो रहा है, तभी वो चीज़ मानी जा रही है कि वास्तव में इसमें ये तत्व पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। तो आज तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि इसमें लोह, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि दुनिया भर की चीज़ें जो हमारे शरीर की के लिए बहुत ही फायदेदायक हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूजा की नई पद्धति चालू कर दीजिए श्रावण मास से। जब आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, तो लड्डू आप घर ले जाते हैं ना भाई, पेड़ा चढ़ाए तो घर ही तो ले जाएंगे, कोई भी चीज़ भगवान को चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। इसी तरह भगवान शिव को जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो वहाँ से अगर 5 चढ़ाएं तो 3 पत्ते अपने घर ले लें और उनको चाहे कच्चा ही खा जाएं, चाहे उनका जूस रस बना लें, गर्म पानी में बॉयल करिए, बॉयल करने के बाद करीब 1 गिलास लीजिए और आधा गिलास जब वो ले जाए रह जाए पानी तो उसको आप पी जाइए, तो फिर आपको डायबिटीज से छुट्टी मिलेगी, आपको हाई ब्लड प्रेशर से छुट्टी मिलेगी, आपको गठिया से छुट्टी मिलेगी, आपको पेट विकार से छुट्टी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं ये उनको मजबूत प्रदान करता है, इसीलिए इसे श्री फल कहा गया है। श्री मतलब अमृत फल, अमृत फल की इसको उपमा दी गई है। और मतलब जैसे बेल का फल है उसको लाके आप रख दीजिए और वो सूख जाए और फिर उसको आप अगर पानी में डालिए या बारिश में वो आ जाएगा तो बारिश में वो पेड़ में लगे लगे फिर हरा हो जाएगा। ये तो जिसमें अमृत तत्व होंगे उसी में तो ये नेचुरलिटी पाई जाएगी कि ये आम की गुठली में पाल जाएगी, आम की गुठली में अलग तत्व होंगे लेकिन ये
महान तत्व आयुर्वेद के बेल में ही हैं। इसीलिए आध्यात्मिक रूप से भगवान शिव से, जिससे आप में अखंडता बनी रहे, आप में प्रकृति के प्रति और आयुर्वेद के प्रति हमेशा ऊर्जावान आप रहें, इसलिए ये हमारी एक पूजा पद्धति से जोड़ दिया गया है। और उसका एक विज्ञान है, जब भी आप बेल का पत्ते को हाथ से पकड़ते हैं तो आप ये समझिए कि आपका नर्वस, आपका सिस्टम जो है, आपके स्किन का सिस्टम तरलता प्राप्त करने लगता है और वो अपना कार्य चालू कर देता है, आपके शरीर में एक रिएक्शन होने लगते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं करें, एक जो वृक्ष है उसको रोज़ आप हाथों से दबाएं, पकड़ें उसको, आपको देखिए कि आपको स्पंदन होगा और आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। आप इसे करके देखिए, आप करके देखिए, कहीं भी बेल का पौधा लगाओ, उसका आप आलिंगन करिए, आप उसे पकड़िए, देखिए। बेल और हरशिंगार दो पौधों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों की जो स्किन है, मतलब जो छाल है, उसमें स्पंदन पाया जाता है और दोनों में ये वैज्ञानिक विद्यता है। भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है ये दूध के साथ विशेषकर, इसका तो बहुत प्रचुर विज्ञान है। इस विज्ञान को तो अभी तक कोई वैज्ञानिक या आधुनिक व्यवस्था में कोई समझ ही नहीं पाया। आप एक फीट ज़मीन को उर्वरक नहीं बना सकते, आप एक फीट ज़मीन का ऊसर समाप्त नहीं कर सकते, उस ऊसर समाप्त करने की प्रक्रिया ही बेलपत्र और बरगद का वृक्ष और पीपल के वृक्ष के पत्ते हैं, समी वृक्ष। ये जो जीवाणु जो पैदा करने का पावर है मिट्टी में, मिट्टी को शुद्ध करने का जो पावर है, वो इन वृक्षों के पत्तों में ही ईश्वर ने प्रदान किया है, ईश्वर ने प्रदान किया है, ये मानवीय क्रिया नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक फीट ज़मीन कोई भी दुनिया का रसायन ठीक नहीं कर सकता, खेती को बर्बाद कर सकता है, लेकिन कृषि को ऊर्जावान और उर्वरकवान नहीं बना सकता। उसके लिए आपको इन प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा और भगवान शिव को इसीलिए किया गया है, इसीलिए भगवान शिव पर ये चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के बाद फिर ये यहाँ पे इसको डाला जाता है, वहाँ की मिट्टी स्वतः ही उर्वरक हो जाती है। ये इतना बड़ा विज्ञान इसमें छिपा हुआ है। चलिए, हम तो यही कहेंगे, भगवान शिव को आदि और अनादि काल से जैसे आप पूजते चले आए हैं वैसी पूजिए, घर घर पूजिए, गांव गांव पूजिए, नगर नगर पूजिए, और जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको तो जय जयकार बोलते ही रहिए। भगवान शिव का अगर अस्तित्व है, शिव से ई हटा देंगे तो सौ हो जाएगा, वही स्थिति मानव की होगी। जिस दिन भगवान शिव की प्रगति पूजा बंद हो जाएगी, उसी दिन सौविहीन ये दुनिया हो जाएगी, सौहीन दुनिया हो जाएगी, ये आप नोट कर लो। इससे सुंदरता समाप्त हो जाएगी। सत्यम शिवम सुंदरम। सो सुंदरम आखिरी में क्यों दिया गया है? भगवान शिव को पकड़े रहेंगे तो ये पृथ्वी, ये मानवता सुंदर ही सुंदर बनेगी। चलिए, हर हर महादेव, हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें और इसका प्रचार प्रसार भी करें, जिससे प्रकृति का जागरण हो। अगर मेरी वीडियो से किसी ने एक पेड़ भी लगा दिया तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो पुण्य की फल प्राप्ति मुझे भी प्राप्त होगी, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप ये मत समझना कि मैं खाली खाली वीडियो बनाता हूँ, अगर 10 पेड़ भी लगा दिए ना तो उसमें कुछ हमारा अंश जरूर होगा। और आप हमारी वीडियो को याद अवश्य करेंगे, दिल से आप हमारी वीडियो को दिल में बैठा लेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है कि आप हमारी वीडियो को दिल में बैठा लेंगे और दिल में बैठा के आज ही बेलपत्र का पौधा एक लगाएंगे। अच्छी नर्सरी से खरीदिए जो पेड़ में अंकुरण हो रहा हो, वो पौधा खरीदिए, क्योंकि आजकल बारिश चल रही है, लोग बाग पिंडी बना देते हैं। मैं अभी 2 आम के पौधे खरीद के लाया और मेरा एक पौधा सूख गया है, क्यों? वो अभी ताज़ा खोदा गया था। तो देख लीजिए, जिसमें अंकुरण हो रहा हो, नए पत्ते निकल रहे हों, उस पौधे को खरीदिए। चलिए, हमसे जुड़े रहिए, भगवान शिव में शांति, संतान और यश, अगर तीनों प्राप्त करना है तो शिव को पकड़िए।
और बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव को पकड़े हुए हैं, लेकिन वो कहते नहीं। इस दुनिया में मैं ये भी चमत्कार देख रहा हूँ कि पकड़े भगवान शिव को ही है, लेकिन कहते नहीं है। आप पकड़ के साक्षात करिए, आप सगुण उपासक हैं, आप सगुण उपासक हैं। सगुण उपासक का मतलब जो आप क्रिया करें भगवान के प्रति, वो दुनिया देखे, दुनिया देखे, दुनिया आनंद ले, तब आप सगुण उपासक हैं। चलिए, हम सभी सगुण उपासक हैं और हर हर महादेव। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।